वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Yes. Good morning, dear. Good morning, good morning. चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए। गुड मॉर्निंग बिंधन दास, गुड मॉर्निंग क्रिस्टल, गुड मॉर्निंग राकेश, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के इस नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दो ताकि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ पढ़ सके, ताकि किसी और का भी भला हो सके। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो टुडे वी विल सी द थ्योरी ऑफ मशीन। जैसा कि सुबह 8:45 पे हम डेली पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमने टॉपिक छेड़ा है, जो आज मुद्दे की बात है, वो है फ्लाईव्हील। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है फ्लाईव्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर गेट एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है फ्लाईव्हील से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, लेकिन वो छोटा सा कहते हैं ना, देखने में बस छोटा होता है, ठीक है ना। अगर उसके कंसेप्ट की बात करें तो बहुत ही लंबा कंसेप्ट होता है उसके अंदर। तो आइए मैं उसी फ्लाईव्हील की बात करने जा रहा हूं, जिससे गेट के एग्जामिनेशन में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग सुरेंद्रा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, अब अगर मैं बात करना चाहूं मेरे प्यारे भाइयों फ्लाईव्हील की, तो फ्लाईव्हील पे भी लेकर चलता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। यस, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आलोक मेरा नाम है और लाइव क्लास लेना मेरा काम है। दैट मीन्स द कोड इज आलोक लाइव, द कोड इज आलोक लाइव। मेरे प्यारे भाइयों, आलोक लाइव सिर्फ एक कोड नहीं है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। आलोक लाइव हजारों दिलों की धड़कन है, हजारों सिलेक्शन का उम्मीद है। आलोक लाइव एक सक्सेस मंत्र है। आलोक लाइव, बस इसको ध्यान रखो, हैशटैग आलोक लाइव गेटिंग वायरल, हैशटैग आलोक लाइव गेटिंग वायरल। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करोगे और मुझे हैशटैग करोगे आलोक लाइव पे। चलो चलो, तो पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं सर, ये आलोक लाइव लगाना कहाँ है। आलोक लाइव लगाने के लिए आपको 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 सबसे पहले लेना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड इन दिस सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे सर? प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेगा आपको लाइव क्लासेस। सर लाइव क्लासेस मतलब सर, हम भी यूट्यूब पे भी तो लाइव क्लास ले रहे हैं, वहां का मतलब मेटा, वहां लाइव क्लासेस का मतलब है कि वहां का शेड्यूल पहले से आपको सब चीज पता होगा, इतने दिनों में सिलेबस खत्म होगा, ये आपका सारा फिक्स होगा। ये सारी बातें आपको बहुत दिनों पहले ही पता चल जाती हैं,
ठीक है ना, लाइव क्लासेस, मतलब आपको जो क्लास जिस टॉपिक पे करनी हो आप डायरेक्ट अटेंड कर सकते हो। क्रैश कोर्स आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए रखा गया है, क्रैश कोर्स जो कि रिवीजन टाइप कोर्स होता है जो आपके लिए बेहतरीन होता है। यस, हैशटैग आलोक लाइव इज गेटिंग वायरल। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, बाबा रे बाबा, 3000 से 4000 नए क्वेश्चन। ओहो, मतलब सिलेक्शन तो पक्का है गेट में, गेट में सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। अगर रैंक इंप्रूवमेंट बैच ले लिया ना तो गेट में सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक ना। 3000 से 4000 नए नए क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों। रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो चुका है और जुलाई के महीने में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ मशीन आपके रैंक इंप्रूवमेंट बैच में। मेरे प्यारे भाइयों जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश और हिंदी इन दोनों माध्यम में ये बैचेस आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये बैचेस अवेलेबल होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखो चिंटू जी सर, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। हर 3 दिन की क्लास के बाद एक दिन होता है स्टूडेंट का दिन, हर 3 दिन की क्लास के बाद एक दिन होता है स्टूडेंट का दिन। स्टूडेंट का दिन होता है तो पूछता है स्टूडेंट डाउट क्लियरिंग सेशन, और हर 7वें दिन होता है वीकली टेस्ट। मेरे प्यारे भाइयों ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन चीज है, जहां जो चीज आपको बस एक कोड लगाने से मिल जाएगी, दैट मींस हैशटैग आलोक लाइव। और सिर्फ आलोक लाइव लगाने से सिर्फ मैं ही नहीं मिलूंगा, मैं और मेरी पूरी टीम एक एक से बढ़कर एक दिग्गज आपको मिलेंगे सिर्फ एक कोड लगाने पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, नहीं अभी लेट नहीं हुआ है, नो लेट, ओके माय डियर। चलो तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले अगर आपने जी सर बिल्कुल सर, क्या कहना चाहते हैं सर, सुनिए सर जी। यस, अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर, अगर अभी तक आपने हम मुझे अनअकैडमी पर नहीं ढूंढा है तो जल्दी जल्दी जाओ चिंटू ढूंढ के आओ। कैसे ढूंढे सर? सर्च मी ऑन अनअकैडमी आलोक लाइव, सर्च मी ऑन अनअकैडमी, ठीक है ना, आलोक लाइव से आप सर्च कर सकते हो। जी सर, ये फॉलो कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल, आलोक लाइव को आप फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों, आलोक लाइव को आप फॉलो कर सकते हो। जी सर, आलोक लाइव क्या है सर? आलोक लाइव ज्ञान का पिटारा है। क्या है? ज्ञान का पिटारा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आलोक लाइव क्या है? ज्ञान का पिटारा है। तो जल्दी जल्दी चलो, क्लास शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना। योर अटेंशन प्लीज, सभी लोग अटेंशन है? यस सर। क्लास शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी सूचना देने चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ। हेलो पुनीत, गुड मॉर्निंग। जी सर, वो छोटी सी सूचना क्या है सर? सर वो छोटी सूचना है, आज सुबह 11:30 बजे हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कहां सर? बेटा स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे भाइयों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 26 जून, जी सर ये तो आज की डेट है, आज 11:30 बजे सुबह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे स्पेशल क्लासेस में। सर मैं तो प्लस का स्टूडेंट ही नहीं हूँ। अरे भाई तुझे प्लस लेने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, अरे इसमें तो फ्री है, यहाँ तो आ जा। बिल्कुल सर, ये क्लास आपके लिए फ्री है और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यलगार हो, बिल्कुल ओके माय डियर। तो टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द फ्लाई व्हील, एंड व्हाट अबाउट द फ्लाई व्हील माय डियर फ्रेंड? फ्लाई व्हील का काम क्या है, कोई बताएगा?
लाइब्रेरी का काम क्या है कोई बताएगा? फ्लाईव्हील का कार्य क्या होता है जल्दी बताओ रे चिंटू, फ्लाईव्हील का काम क्या होता है? यस आजा। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाइयों, आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाइयों, दैट इज फ्लाई व्हील, दैट इज फ्लाई व्हील। इन चीज को दोबारा सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यलगार बैच का टाइम बताया जाएगा बेटा, परेशान मत हो, ठीक है? चलिए, रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग टॉर्क ट्रांसमिशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर। चलिए आज का जो क्लास है दैट इज फ्लाई व्हील। दैट इज फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। यस वेरी गुड सर, क्या करता है फ्लाई व्हील मेरे प्यारे भाइयों? फ्लाई व्हील क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों? फ्लाईव्हील सही बात है, टू कंट्रोल द स्पीड। यस यस, देखो फ्लाईव्हील एक बैंक है बोल रहा है। एनर्जी को स्टोर करना और उसको रिलीज करने में उसका कार्य होता है। वेरी गुड, दैट इज फ्लाईव्हील। व्हाट अबाउट द फ्लाईव्हील माय डियर फ्रेंड्स? सर फ्लाईव्हील इज नथिंग बट, माय डियर फ्रेंड्स सुनो ध्यान से, फ्लाईव्हील क्या है सर? सर फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील वो बैंक अकाउंट है जिसमें हम जब पैसा जमा करते हैं ना, तो जब हमें जरूरत होती है तब वहां से पैसा निकाल लाते हैं। दैट मींस एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब समय मिलता है तब हम एनर्जी को क्या करते हैं, जब समय मिलता है, जब हमें जरूरत होती है तो हम एनर्जी को वहां से ले लेते हैं, ठीक है ना? दैट इज द फ्लाई व्हील। मतलब आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाइयों, फ्लाई व्हील अगर मैं इसकी चर्चा करना चाहूं तो फ्लाई व्हील में कार्य क्या होता है? टू कंट्रोल या टू फ्लक्चुएट द एनर्जी टू, यस। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो फ्लाई व्हील, चलिए देखते हैं। वॉइस इज क्लियर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है पहले ये बताओ माय डियर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, देखिए यस, वेरी गुड सौविक, वेरी गुड सौविक। फ्लाईव्हील इज अ इंट्रा साइकिल फ्लक्चुएशन। वेरी गुड, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। गुड मॉर्निंग,
अगर मैं बात करना चाहूं तो होता क्या है फ्लाईव्हील में? सर फ्लाईव्हील में होता है जैसे कि मान लीजिए आपका गाड़ी है, और आपकी गाड़ी में अब क्या होता है, यहाँ जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो कभी कभी क्या होता है, आपकी गाड़ी में स्पीड कम तो कभी ज्यादा, तो कभी उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक ना, ऐसा कुछ होता है मेरे प्यारे भाई। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है, यहाँ आपका यहाँ क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ हो रहा है आपका फ्लक्चुएशन। साउंड में दिक्कत नहीं ना? यस, क्लियर डाउट? क्या डाउट क्या पूछा है? रिलेटिव मोशन मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मोशन कर रहा है, उसके एक लिंक के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा लिंक मोशन कर रहा है, दैट इज द उसके रिलेटिव मोशन कर रहा है, दैट इज द रिलेटिव मोशन। ओके ओके, अब देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने, यस माय डियर, ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया है, दैट इज द मैक्सिमम टू द मिनिमम एंड मीन। ये हमारा कौन सा ग्राफ है? चलिए देखिए, हम कह रहे हैं ये हमारा एन मीन,